दोस्तों यह है नेपाल और बिहार में बहने वाली गंडक नदी, जिसे नेपाल में साल ग्रामी और मैदानी इलाकों में नारायणी तथा सप्त गंडकी के नाम से पुकारा जाता है। गंडक नदी हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। आपको बता दें कि त्रिवेणी पर्वत से पहले इसमें एक सहायक नदी त्रिशूल गंगा भी मिलती है। उत्तर प्रदेश में यह नदी महाराजगंज और कुशीनगर जिलों से होकर बहती है, वहीं बिहार में यह चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर जिलों से होकर बहती है, जो कि अपने उद्गम स्थल से लगभग 1310 किलोमीटर की दूरी तय करके पटना के निकट गंगा नदी में समाहित हो जाती है। और बिहार नेपाल सीमा वाल्मीकि नगर में इसी नदी पे बना है गंडक बराज। तो कैसे और क्यों बना गंडक बराज, जानते हैं पूरी कहानी। तब तक आप वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती ही रहेगी। दोस्तों एक समय ऐसा था जब नेपाल व बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ व सूखे की त्रासदी झेल रहे थे, और इसी स्थिति से निजात पाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजगंज के तत्कालीन सांसद सिब्बन लाल सक्सेना ने गंडक परियोजना स्वीकृत कराने के लिए साल 1957 में अथक प्रयास करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को 11 पत्र लिखे। पत्रचार के बाद भी जब कोई परिणाम नहीं निकला तो उन्होंने संसद भवन के सामने अनशन शुरू कर दिया, जो लगभग 28 दिनों तक चलता रहा। उनके अनशन की गूंज से पूरी सरकार हिल गई। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद गंडक परियोजना के लिए आखिरकार स्वीकृति मिल ही गई, और फिर भारत नेपाल के बीच वर्ष 1959 में एक समझौता हुआ। समझौते के इस परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर हेड रेगुलेटर के नीचे बिहार के वाल्मीकि नगर में ये बैराज बनना तय हुआ। इसके बाद 4 मई वर्ष 1964 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नेपाल के राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह की उपस्थिति में वाल्मीकि नगर बैराज का शिलान्यास किया। करीब 5 वर्षों तक चले निर्माण कार्य के बाद वाल्मीकि नगर का बैराज वर्ष 1969-70 में बनकर तैयार हो गया। आपको बता दें कि इस बैराज की लंबाई 747.37 मीटर तो वहीं इसकी ऊंचाई 9.81 मीटर है। दोस्तों इस बैराज का आधा भाग नेपाल में है तो आधा भाग भारत के बिहार में। इस बैराज से 4 नहरें निकलती है, जिसमें से 2 नहरें भारत के बिहार व उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है तो 2 नहरें नेपाल राष्ट्र की तरफ जाती है। तो दोस्तों ये थी भारत के बिहार और नेपाल सीमा पे स्थित वाल्मीकि गंडक बराज, जो बिहार और नेपाल को भारी तबाही और बाढ़ से रोकने में बहुत ही मदद करती है।